क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फिरदौस है। आप क्या काम कर लेती हैं? वैसे तो एक औरत को घर के सारे काम करने आते हैं, आप बस तनख्वाह बता दीजिए। मैं आपको 4,000 रुपए तनख्वाह दूंगी, ठीक है? जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं कल सुबह ही पहुँच जाऊंगी। लेकिन आप बताइए, आपका बच्चा इतना छोटा है, आप इसे कहाँ रखेंगी? उसकी आप फिक्र न करें, मैं इसे अपने पड़ोसन के पास रखाऊंगी। ठीक है। आपका बच्चा तो बहुत रो रहा है, इसके लिए कुछ दूध बिस्किट भिजवा दूं? जी नहीं मैडम, इसे बस घर चल के अब खाना खिलाऊंगी, चलती हूँ। सुनो, आप कल 9 बजे आ जाइएगा, अच्छा? जी बेहतर। मैडम, कमरे की सफाई कर दूं? कर दो। मैडम, ये बच्चे की दवाई की बोतल, मैंने तो इस घर में कोई बच्चा नहीं देखा। इस घर में एक नहीं, दो दो बच्चे थे, उनकी किलकारियों से मेरा घर गूंज उठता था, उनकी मासूम सी मुस्कुराहट से मेरा घर चमक उठता था। लेकिन शायद भगवान को हमारी खुशियां मंजूर नहीं, मेरा एक बच्चा भगवान ने मुझसे छीन लिया और दूसरा बच्चा हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो गया है। मेरी गोद सूनी हो गई है। मैडम, जिसे अल्लाह ने अपने पास बुला लिया वो तो अल्लाह का प्यारा हो गया, फिर भी मैं खुदा से दुआ करूंगी कि आपका बच्चा आपको जल्द मिल जाए, इस घर में बच्चे की किलकारियां फिर से गूंज उठे। मैं देखती हूँ। हेलो, वेदिका, मैं ध्रुव बोल रहा हूँ, मेरी पंडित जी से बात हो गई, कल सुबह वो हमारे कृष्णा की तिमाही की पूजा के लिए आने वाले हैं। वक्त कितना जल्दी बीत जाता है ना वेदिका, आज 3 महीने हो गए लेकिन हमारे कृष्णा की यादें हमारे दिल में कितनी ताजा है। हाँ ध्रुव, 2-4 दिन से मुझे कृष्णा बहुत याद आ रहा है, मुझे लग रहा है कि वो अपने नन्हे पैरों से चलकर मेरे सामने आ जाएगा। ध्रुव, कृष्णा बहुत याद आ रहा है मुझे। वेदिका, जाने वाले थोड़ी ना आते, हाँ उनकी यादें जरूर आती है और उन्हीं यादों के सहारे हमें जीना पड़ता है। तुम एक काम करो, कल सुबह की पूजा की तैयारी कर लेना। आपके बेटे का नाम कृष्णा था? हाँ। मैडम, मैं आपका गम समझ सकती हूँ, एक औरत हूँ, एक माँ हूँ, एक माँ के लिए अपने बेटे से जुदा होने से बड़ा गम तो तौबा तौबा, अल्लाह न करे कभी अगर मुझे अपने कबीर से जुदा होना पड़े तो मैं तो मर ही जाऊंगी। तुम्हारे बेटे का नाम कबीर है? जी। बहुत प्यारा नाम है, कबीर 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 कबीर। आपको डर लग पड़ता है यार, लेकिन आपने कभी सोचा?
क्या वो आपके दयाल कर रहे हैं? वो एक मुजरिम थी, उसके साथ एक ही छत के नीचे रहने की सजा तो भुगत ही रहे। मैं चाहता हूँ कि हर वक्त इस बात का एहसास कि वो ऐसे इंसान से मिली है जिसके गुनाह को रायज़ादा खानदान ने माफ नहीं किया और ना ही कभी करेगा। अगर रायज़ादा खानदान की बुनियादें हिलानी तो मुझे ये पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल करनी होगी। रुद्र धनदौलत का मुंह नहीं है मुझे रुद्र, लेकिन रुपए की ताकत का एहसास हो गया। इसी ताकत के बल पर बहुत तन कर बात करते हैं ना ये लोग, और जो लड़ाई में लड़ने जा रही हूँ कि हर हथियार हर बार में मुझे इस ताकत की जरूरत होगी, और इस ताकत को अपनी मुट्ठी में करने के लिए मुझे ये पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल करनी ही होगी। इतना खोखला कर दूंगी रायज़ादा खानदान को कि ताश के पत्तों की महल की तरह हवा के हल्के से झोंके से ठहर जाएगा। एक बार इन पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स पर साइन मिल जाए। ये रही मेरी जीत की पहली चाल। निहारिका आओ बेटा। कुछ काम था? जी पापा जी, मैं वो कह रही थी कि दिन भर घर में करने के लिए कुछ नहीं होता, जिंदगी का खालीपन काटने को दौड़ता है, दिमाग में इधर उधर के ख्याल आते रहते हैं, कभी कभी तो इतनी उदासी छा जाती है कि मन करता है अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। जब तक रुद्र थे जिंदगी की एक लय थी, लेकिन रुद्र के बाद तो जैसे वो लय ही टूट गए। इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके साथ ऑफिस आ जाऊं, मेरा दिल भी लग जाएगा, धीरे धीरे काम सीखकर आपका हाथ भी बटा दूंगी। हाँ बेटा, तुम रुद्र का काम संभाल सकती हो, क्यों नहीं, तुम्हारे ऑफिस आने में मुझे कोई इतराज नहीं है बेटे। थैंक यू। मंजिल तक पहुंचने के लिए मैंने जो रास्ता चुना उसकी राह पर मैंने अपने कदम सही दिशा में उठाए। पहला पड़ाव तो बिना किसी रुकावट के तय हो गया। इसी तरह मंजिल पर अपनी नजरें कड़ाई चलती है तो राह खुद ब खुद बनती चली जाएंगी। यहाँ ऑफिस में पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स पर साइन करवाने का कोई ना कोई मौका तो मिल ही जाएगा।
डैड ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? निहारिका हमारे ऑफिस में क्या कर रही है? उससे यहां आने की इजाजत किसने दी? अंतरिक्ष रिलैक्स, निहारिका को ऑफिस आने की इजाजत मैंने दी है। वो कह रही थी कि सारा दिन घर बैठे बैठे बोर हो जाती है, तो अगर बोर हो जाती है तो कहीं और जाए, कुछ और करे। लेकिन हमारे ऑफिस में, मेरी एक बात आप ध्यान से सुनिए, मैं निहारिका को आप सबसे अच्छी तरह से जानता हूं, और एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वो विश्वास करने के लायक नहीं है। अंतरिक्ष बेटे, तुम्हारी उसके बारे में ये राय है तो ठीक है, लेकिन बेटा मुझे लगता है कि हमारा फर्ज बनता है उसे एक मौका दें। वो कहती है कि वो बदल गई है तो उसकी बात पे विश्वास करें। बेटा वो ऑफिस आएगी ना तो उसका मन बहल जाएगा, ऑफिस का कुछ काम सीख लेगी तो शी कैन बी हेल्प टू अस। डैड, अगर आपने उसे परमिशन दी है और अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मैं फिर से कहूंगा, निहारिका की बातों में बताइएगा, उसके दिल में कुछ और है, उसकी जबान पर कुछ और, वो भरोसे के काबिल नहीं है डैड। एंड प्लीज फॉर गॉड्स सेक, उसके दिए हुए किसी भी पेपर पर आप साइन मत कीजिएगा। ओके बेटे, मैं उसके दिए हुए किसी भी पेपर पर साइन नहीं करूंगा। यू कूल डाउन, रिलैक्स। निहारिका, ये सब संभालना इतना आसान नहीं होने वाला जितना तुमने सोचा। मेरे रास्ते में अंतरिक्ष नाम की रुकावट मेरे लिए उसके मन में जितना सहर भरा हुआ है, वही सहर सबके सामने मेरे खिलाफ करता रहा है। ये लोग मुझ पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं करते। लगता है मुझे अपने मौरे भी बदलने होंगे और अपनी चाल बदल जरूर जरूर। फिरदौस जी। मैडम, कल शाम यहाँ पूजा होने वाली है, इसलिए आज शाम तक ये सारा हॉल खाली होना चाहिए। सारा फर्नीचर ना एक साइड पे लगा देना। जी। वेदिका पुत्र, पुत्र मैंने 5 बच्चों को तो न्योता दे दिया कल यहाँ आकर खाना खाने के लिए, 2 और रह गए हैं। वो पड़ोस वाली मिसेस मल्होत्रा है, उनके 2 पोते हैं, उन्हें बुलवा भेजूं। जैसा आपको ठीक लगे। और फिरदौस, तुम्हारा बेटा भी तो है कबीर, उसे भी ले आना, दूसरों बच्चे के साथ वो भी खा पी लेगा। जी बेहतर। बाकी सारी तैयारियां हो गई है ना? जी तितली मामी, पूजा के लिए सारी तैयारियां हो चुकी है। बस इस पूजा के जरिए उस मासूम की आत्मा की। वेदिका पुत्र, बेचारी, ये तूने ठीक नहीं किया। किसी भी मां के साथ ऐसा न्याय नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बहुत गहरी चोट खाई है दिल पर वेदिका मैडम ने। क्या हुआ था कृष्णा को, क्या उसकी तबीयत? नहीं नहीं, हमारा कृष्णा तो बड़ा सेहतमंद बच्चा था, वो तो एक एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट? हाँ, 3 महीने पहले वो शहर के बाहर पहाड़ी है ना, उसके ऊपर हमारे कुल देवता का मंदिर है, कृष्णा को ले गए थे वहां पत्थर टिकाने, उसकी उस बेवकूफ मेड ने उसे कार में सुला दिया। पीछे से पता क्या हुआ, किस्मत देखो, कार चोर आ गए और गिट्टी चुरा कर ले गए। बस फिर क्या, एक्सीडेंट हो गया। 3 महीने पहले का वो मनहूस दिन 21 अप्रैल, हम कभी नहीं भूल सकते। 3 महीने पहले 21 अप्रैल को, तभी तो मुझे कबीर दरगाह में मिला था, और वो दरगाह भी पहाड़ी वाले मंदिर से ज्यादा दूर नहीं है। कहीं इनका कृष्णा ही तो मेरा कबीर नहीं है? हमारा कृष्णा हमसे बड़ा दूर चला गया। हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारी दुनिया सब सुनेगा, सब सुनेगा, सब सुनेगा, सब सुनेगा।
मैडम ये ड्राई क्लीनर से कपड़े आ गए, कहाँ रख दूँ? मैडम क्या आप कृष्णा बाबा की तस्वीरें देख रही हैं? अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपकी कृष्णा को देख सकती हूँ? Hey.